आज हम लोग करने वाले अकाउंट करंट की प्रैक्टिस। अकाउंट करंट में आपको डेज कैलकुलेशंस करने रहते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस अकाउंट करंट। सो एवरी वन ऑफ यू नाउ फोकस। सो हियर फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट करंट बाय प्रोडक्ट मेथड रेंडरिंग बाय एक्स टू वाई। सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट एक्स के बुक्स एंड वाई का अकाउंट। सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट वाई इन अकाउंट करंट ऑफ अकाउंट करंट विथ एक्स। सो राइट डाउन द आंसर। एक मिनट। ओके, यस। चलो ड्रॉ कीजिए बेटा फटाफट। एक ही मिनट बेटा, चलो लिखो। चलिए लिखो बेटा, वाई इन अकाउंट करंट विथ एक्स। चलिए अभी कहां से कहां तक है स्टेटमेंट डेट। यस यू कैन राइट डाउन बेटा, इंटरेस्ट अप टू 30 अप्रैल 2020 एट द रेट ऑफ कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट है बेटा, 10% पर एनम। ओके, राइट डाउन कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, देन यू हैव ड्यू डेट। यस बेटा, ड्यू डेट के बाद क्या होगा? यस रिकॉल करो थोड़ा, अमाउंट, देन यू हैव डेज एंड प्रोडक्ट। सेम ऑन द क्रेडिट साइड, टेक इट ऑन टू पेजेस, सो इट विल बी इजी फॉर यू। हमेशा दो पेजेस पे लीजिए, डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, देन यू हैव अमाउंट, देन यू हैव डेज एंड लास्ट कॉलम इज प्रोडक्ट। चलो ड्रॉ कीजिए अभी। यस बेटा, एक 16 लाइन हाफ पेज से ऊपर ड्रॉ कीजिए।
over, ready, now amount payable by x to y. अभी हम लोग किसके बुक्स में देख रहे हैं, एक्स के बुक्स में, करेक्ट है. सो इट इज अवर लाइबिलिटी, करेक्ट है, क्रेडिट साइड. सो वी विल स्टार्ट विथ क्रेडिट साइड. रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स, एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स, तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, वाई टू बिल्स पेएबल, वाई को डेबिट दिया टू बिल्स पेएबल. बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय वाई इज ऑनर, सो बिल्स रिसीवेबल ऑनर की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, सो हियर नो एंट्री इन रिस्पेक्टिव अकाउंट, मतलब आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, सो नो एंट्री इन वाई. एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, ओके, सो एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई इज एक्स वाई टू सेल्स, तो वाई को डेबिट दिया. नेक्स्ट, एक्स रिसीव्ड चेक फ्रॉम वाई, सो बैंक टू वाई क्रेडिट किया. नेक्स्ट, क्रेडिट किया, एक्स रिसीव्ड चेक के बाद वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स, सो परचेस किया, परचेसेस फॉर एक्स, तो परचेसेस टू वाई, तो इधर हम लोग क्रेडिट करेंगे. नेक्स्ट, एक्स रिटर्न गुड्स सोल्ड टू वाई, सो सेल्स रिटर्न है, सो वाई टू सेल्स, गुड्स सोल्ड बाय वाई था, परचेस रिटर्न, सॉरी परचेस रिटर्न, तो ये डेबिट आएगा. एंड बिल्स एक्सेप्टेड बाय वाई डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट, सो बिल्स एक्सेप्टेड बाय वाई था, तो बिल्स पेएबल टू वाई, वाई को वापस हमने जिंदा किया, तो वाई को क्रेडिट किया, नहीं वाई को डेबिट दिया, सॉरी वाई टू बिल्स पेएबल, ओके. चलो, सो हमने ये सब लिख लिया, एवरीथिंग वी हैव रिटन, नाउ वी आर गोइंग टू डू पोस्टिंग. सो फर्स्ट वन, फर्स्ट इज 1st April, राइट डाउन 1st April, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ड्यू डेट इज ऑल्सो 1st April एंड अमाउंट इज 10,000. फर्स्ट ट्रांजैक्शन ओवर. सेकंड वन, आफ्टर वन लाइन, रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स, सो वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, 7th April, आफ्टर वन लाइन, सेकंड लाइन, टू बिल्स पेएबल, टू बिल्स पेएबल, 7th April से 2 months, सो मे जून, 10th June, एंड कैलकुलेशन में 5,000, इसका एंट्री नहीं होगा. थर्ड वन ओवर, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, 10th April एंड 15th May, 10th April, 15th May, टू सेल्स 15,000. एक्स रिसीव्ड चेक फ्रॉम वाई, 12 April, सेकंड लाइन, बाय बैंक, एंड व्हाट इज द डेट, 15th May, 7,500, 7,500, इजी. नेक्स्ट इज Y sold goods to X, 6,000. So 15th May and 15th April. So purchases. Buy, purchases. What is amount, beta? Amount is 6,000. Correct, hai na? X return goods sold to Y, so to purchase return, what is the date,
20 अप्रैल एंड 15 मई का ड्यू डेट इज 15 अप्रैल का ड्यू डेट इज 15 मई, सो दिस इज 15th मई एंड 20th अप्रैल ट्रांजैक्शन डेट. नेक्स्ट अमाउंट इज, यस अमाउंट इज 1000 एंड वाई टू बिल्स पेएबल 20 अप्रैल, वाई टू बिल्स रिसीवेबल, सॉरी इट्स नॉट पेएबल इट्स बिल्स रिसीवेबल बिकॉज वाई एक्सेप्टेंट तो बिल्स रिसीवेबल था हमारे लिए, सो इट इज 20 अप्रैल 5000. चलो सो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेशंस. एक अप्रैल तक 30, रिमेंबर हियर रेड पेन से लिखना, कंसिडर फर्स्ट डे ऑल्सो, सो फर्स्ट डे भी कंसिडर करना है, सो 30 रेड पेन से लिखना. वेन एवर इट इज ओपनिंग बैलेंस वी कंसिडर फर्स्ट डे ऑल्सो. नाउ सेकंड वन कैलकुलेशंस, 15th मे, सो इट्स अ निगेटिव, निगेटिव बिकॉज इट्स बियॉन्ड ड्यू डेट, ड्यू डेट इज बियॉन्ड स्टेटमेंट डेट, सो निगेटिव 15th एंड दिस इज ऑल्सो निगेटिव 15. हियर 10th जून इज 31 ऑफ मे प्लस जून का 10, 41 निगेटिव, 15th में निगेटिव, 15th में अगेन निगेटिव 15 एंड 20 अप्रैल टू 30 अप्रैल 10 डेज. इजी. नाउ मल्टीप्लीकेशन, 10 जून ये डेट से देखना था हमें, 30th अप्रैल टू 10 जून, सो कितने डेज होते हैं बेटा, हाँ जी 5000 इंटू 41 मेमोरी माइनस 2,05,000. नेक्स्ट पंद्रह हजार इंटू 15 2,25,000. निगेटिव 15,000. सो योर टोटल इज माइनस 3,95,000. करेक्ट है बेटा, चेक कीजिए टोटल, यस इज इट करेक्ट, हाँ या ना बोलो तो सही, एटलीस्ट 3,00,000 7,500 इंटू 15 1,12,500 6,000 इंटू 15 मेमोरी माइनस 90,000, निगेटिव थिंग्स विल बी इन मेमोरी माइनस, सो यूर टोटल इज, यस व्हाट इज द टोटल 97,500 पॉजिटिव. निगेटिव मीन्स क्रेडिट बैलेंस एंड दिस इज पॉजिटिव इज अगेन क्रेडिट, सो क्रेडिट इज मोर, कितना क्रेडिट इज मोर 97,500 प्लस 3,95,000, सो व्हाट इज द टोटल 492, कुछ गलत हुआ है क्या मेरा, नाइन्टी सेवन फाइव हंड्रेड, हाँ जी टेंथ अप्रैल, ओ सॉरी इट्स अ टेंथ मे, इट्स टेंथ मे करेक्ट है, हाँ तो आपने पहले ही बोलना चाहिए था, यस सेकंड वन इज रॉन्ग, टेंथ मे था वो, टेंथ मे, यस आई विल टेक अ टोटल वंस अगेन, निगेटिव 1,50,000 205 प्लस 150 निगेटिव
plus 150 plus 15 minus 50. So total is 320,000. Correct hai kya abhi? Now it's correct na beta. So 320 and 97.5. So yes, one day galat to pura problem galat. Okay, abhi dekho kitna aya. 320 plus 97.5. 417,500. Say yes or no. 30th April to balance of product. So number 1 pe hum log ye karenge. 417,500. Okay, balance of product. Then on the opposite side, you will calculate interest for one day. One day ke liye aap interest calculate karoge by interest for one day 417,500 into 10% into 1 divided by 365. One one 4.38 बराबर है क्या? Yes or no? 114.38 and now you can close your total column. Chalo, so debit is more or credit is more? I think debit is more. Or no? Debit is more, na? 30th April. Buy balance carried down C. 26,000. Correct, hai na? So balancing figure is 2385.62. Okay, ek mistake, one mistake beta. So total kitna aaya aapka? 97,500 on the both side. 97,500 on the both side. Easy hai. So one mistake is there, beta. I consider 15, but it should be 10. But I rectified it. Over. Easy. Okay. Chale. So let's move to next question. Question number 6. Please do practice. Aaj ke aaj hi practice karna. Vapas ek bar time laga ke. ILU 6. Let's start. From the following, prepare an account current. As sent by A, एक ने भेजा to B. A ने भेजा तो बेटा books किसके होंगे? And B in account current. Correct है? B in account current. Balance due from B. तो ये balance due from B मतलब to balance brought down, debit में आएगा. डेबिट में आएगा और ब्रैकेट में लिखो कंसीडर फर्स्ट डे सोल्ड गुड्स टू बी टू सेल्स डेबिट नेक्स्ट बी रिटर्न्स गुड्स बाय सेल्स रिटर्न बी पेड बाय चेक
by bank. B accepted a bill, so 2. B accepted a bill drawn by A, so what? By bills receivable. Goods sold to B, 2 sales in debit, and received cash by cash credit. ठीक है, इजी है क्या बेटा? चलो, सो लेट्स स्टार्ट. वापस ड्रॉ कीजिए अप पेज. चलो लिखो, B okay. B अच्छा लग रहा है क्या? नहीं ना, कलर डार्क ले. B in account current with A. Okay. What is the interest date? चलो बताओ. Interest up to 30th June. June 30 का होता है 2020. At the rate of 6% per annum. चलो लिखो date, particulars, due date, amount, days and product. Date, particulars, due date, amount, days, and product. चलो draw करते हैं. ओके, ओवर, ड्रॉन, रेडी. चलिए फर्स्ट वन. यस, व्हाट इज द डेट बेटा? फर्स्ट जैन. फर्स्ट जैन को लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. Due date is also same 1st Jan, but including 1st day. Including 1st day means January 31, 28, March, April, May, June. We will do calculation later. Okay. What is the amount? 600. Next. 2 sales, 11 Jan. 2 sales,
11 Jan. How much? 520. Bees, February, March, April, May, June. We'll do calculation afterwards. कैलसी पे बाद में. Next is January 18. By sales return. Due date is same. 18 Jan. Tell me amount. 125. 13. February, March 31, April, May, June. Okay. Next one. You are matching with my speed, beta? Okay. February 11. Buy bank. 11th Feb. Buy bank. Due date is same. So February के 17 दिन, March, April, May, June. Buy bank over. February 14. Buy bills receivable. 14 Feb. Buy bills receivable after 1 month means 17th March. Say yes or no? Yes. So March के बेटा 14 days बचे. 31 का होता है March, April, May, June. Okay. Next. Goods sold to B. B to sales. What is the date? 29th April. अप्रैल का 1, मई 31 एंड जून का 30. नेक्स्ट रिसीव्ड कैश मई 15. बाय कैश 16 प्लस सॉरी ड्यू डेट इज सेम 15 मई इसका 16 जून का 30 46 ये मैं ओरली कर लिया डेज कैन आई कैन नहीं अमाउंट बोलो सॉरी सॉरी अमाउंट मेरे रह गए यार अमाउंट तो एक भी नहीं बताया आपने चलो अमाउंट बताओ मुझे Here it's 615 ना क्रेडिट साइड पे कितना है बाय बैंक 400 300 700 चलो नाउ लेट्स टेक कैलसी एंड डू द कैलकुलेशन बेटा फर्स्ट से 31 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 आई एम गेटिंग द डेज 180 31 plus 28 कितना डेज आया आपका 181 ना 5 इंस्टीट्यूट कंसीडर्स 182 ओके दे हैव टेकन 2020 is your leap year. Leap year consider किया. Sorry, 2020 is leap year. तो जहां जहां पे 21 है उधर आप लोग क्या कर दोगे बेटा 29. इधर ऐसा कट करके 29 कर दो बेटा 29. इधर 18 कर दो 18
इधर नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा। कर दिया क्या चेंज, सिर्फ आपको इधर 18 करना पड़ेगा 11th फेब्रुआरी को, ठीक है। नाउ टेल मी डेज, 20 + 29 + 31 + 30, आई थिंक दिस इज 171, पहला 182 एंड दिस इज 62, करेक्ट है। 13 + 29 + 31 = 30, हाउ मच, 164। ICAI won't ask you for leap year because your exam is not in leap year. 140, 105, 46, ठीक है। चलो टेक अ टोटल 600 × 182 मेमोरी प्लस 520 × 171 मेमोरी प्लस 62 × 615 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, व्हाट इज द आंसर, 236 250, दिस इज 109,200। Now zero कर दो मेमोरी वापस, 125 × 164 हेलो, 20,500 400 × 140 56,300 × 105 = 31,500 = 32,200 How much is the total? Tell me total. Total is correct or not? By balance of product, so total is 236,250. By balance carried down. How much? 96,050. 96,050 on the same line you can write to interest is June, (96,050 × 6%) × 1/365 divided by 365, what is the amount? Yes, 15 point. Okay, all right.
366, हाँ 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 डिवाइड बाय 366, थ्री सिक्सटी सिक्स 15.745। सिक्स सिक्स 3978। नाउ टेक अ टोटल, तो हियर टोटल इज 1750 1750.75 567593। तो कितना आया बैलेंस, सॉरी 1225। लॉट ऑफ कैलकुलेशन हा बेटा 225.75 करेक्ट, बैलेंसिंग फी ठीक है। बाय बैलेंस का रेट डाउन, सो हियर सॉरी ये अलग से देखना है आपको, दिस इज बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, बैलेंस ऑफ अमाउंट 225.75 ओवर, इजी, डू प्रैक्टिस। इलू फाइव यस बेटा इलू फाइव। नाउ वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेक अप द अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय एस दास गुप्ता टू ए। सो एस दास गुप्ता कौन है, बुक्स, एंड ए इन अकाउंट करंट विथ दास गुप्ता, ओके, ए हल्दर इन अकाउंट करंट विथ दास गुप्ता, इंटरेस्ट रेट 5%। चलिए बैलेंस ओइंग बाय ए हल्दर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जून 30 है बेटा, ये थोड़ा ध्यान रखो, इट्स आईएमपी, फर्स्ट डे इज ऑल्सो कंसिडर्ड। नेक्स्ट, नाउ देन टेल मी जुलाई 17 गुड्स सोल्ड टू ए हल्दर, टू सेल्स by cash, two sales by cash, a holder accepted Das Gupta's bill by bills receivable, goods bought from a holder by purchase, goods sold to sales, cash received by cash, prepare statement up to 31st December. Yes. चलिए लिखिए, चलो फॉर्मेट ड्रॉ करो बेटा फटाफट, फॉर्मेट आप लोग खुद से ड्रॉ करो, चलो अभी yes. ड्रॉ करो फॉर्मेट, नाउ आई हैव रेडीमेड फॉर्मेट, आज रेडीमेड मैगी जैसा फॉर्मेट रेडी है मेरा, एंड टेल मी ओवर, दो तीन लोग ओवर बोलो, सो आई विल अंडरस्टैंड एंड वी विल प्रोसीड फर्दर।
चलो हो गया सबका थोड़ा स्टार्ट ओके 8358 76 चलो नाउ यू प्लीज डू पोस्टिंग पार्ट यस चलो पोस्टिंग पार्ट आप लोग कंप्लीट कर नहीं नहीं मेरे साथ ही करो हाँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन June 30 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ड्यू डेट इज अगेन 30th June कंसिडर दिस 30th date प्लस July 31 August 31 September October, November, 30, December. Okay. Amount is 520. July 17. Two sales. 17 July. यस बेटा जुलाई के कितने बचे 14 31 अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर नेक्स्ट अगस्त 1 बाय कैश 1st अगस्त बाय कैश 1st अगस्त अरे पिछला अमाउंट भी रहेगा यार 40 and 500 दिस इज 40 and 500 नाउ आई विल कैलकुलेट डेज अगस्त का 30 सितंबर 30 अक्टूबर नवंबर दिसंबर नेक्स्ट 19th अगस्त टू सेल्स अगस्त का कितना 31 है ना 12 ना 12 अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर नेक्स्ट अगस्त 30 हाँ अमाउंट और ये सभी रहेगा यस कितना है अमाउंट बेटा 720 क्यों मुझे इतनी जल्दी है कहां जाना है मुझे अगस्त 30th अगस्त टू सेल्स अगस्त का 1 सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितना
amount? 50. Next. Yes. Calculation says sirf. I think you are enjoying. September 1. By what? By cash. First September. Amount? 400. September ke 29. October, November, December. 29, 31. बड़ा एग्जाम स्पीड समझ में आया ना आपको? September 1, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा. By bills receivable, you can do by your own then. फिर से लेक्चर देखना लगे तो. So you can completely, yes, मेरे से एक मिनट आगे चाहिए आप लोग. October, November, December. So this is 4th December. Amount? 300 ना, 27 आएगा, 27. Next, October 22 by what? By purchases, how much? 20 अक्टूबर मतलब नवंबर अक्टूबर के 9 नवंबर दिसंबर. नेक्स्ट गुड सोल्ड टू सेल्स क्या था बेटा नवंबर 12 अमाउंट इज 14 नवंबर बोले तो 18 दिसंबर लास्ट बाय कैश क्या दिसंबर है 14 दिसंबर 14 दिसंबर अमाउंट 50 ना दिसंबर के कितने आए बेटा ये 17 चलो नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव चलिए सो नाउ यू टेक ऑन कैलसी ऑल डेज 1 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 कितना आया 185 करेक्ट है 14 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 167 यू आर मैचिंग माय स्पीड ना बेटा ऐसा कुछ नहीं ना कि स्पीड मैच नहीं हो रहा है 134 अमोक स्पीड मैच हो रहा है बेटा One twenty three, 49, 30, 30, 31, 30, 31, 152, 29, 31, 30, 31, 121, 70. $520 into 185, 96 200, 66 80, 61 50, 686 memory recall
206,196. जीरो कर दो मेमोरी, 500 इंटू 152 76,000, 400 इंटू 121 एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है बेटा इन दिस क्वेश्चन 48,400, 300 इंटू 27 8,100, 1,400, 850, 134, 750, 71,446. By balance of product 71,446 करेक्ट है क्या बेटा? थर्टी फर्स्ट डिसंबर, देन ऑन द सेम लाइन यू विल कैलकुलेट टू इंटरेस्ट नाइन एंड बाय बैलेंस कैरी इट डाउन माइनस 83.79. Yes. Check your answers, beta. Here we have finished with 5 problems. Now your duty, beta. You do remaining questions 4, 3, 2, 1. Okay. So हम लोग ये कल speed में solve करेंगे. आई होप यू एंजॉय टिल नाउ. बहुत सिंपल था 5 नंबर भी. अभी आज प्रैक्टिस करो. टेल मी यूअर टाइमिंग्स 5, 6, 7 के टाइमिंग्स आपको डालने एंड टुमारो यू सॉल्व विथ मी 4 to 1. सो 4 to 1 के टाइमिंग आपको ग्रुप पे डालने. ओके, थैंक यू. इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आ जाइए बेटा फटाफट. हम लोग शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन 8. इलस्ट्रेशन 8 जो है वो अकाउंट करंट की तीसरी मेथड है जो बैंक्स में नॉर्मली यूज की जाती है. बैंक्स के बुक होते हैं और क्लाइंट का कस्टमर का अकाउंट होता है और बैंक कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करती है ये आपको इसके द्वारा समझ में आ जाएगा. ऑन 2 जनवरी 2020 विनोद ओपन द करंट अकाउंट विथ अलाहाबाद बैंक. अलाहाबाद बैंक जो है इसके बुक्स होंगे और विनोद का अकाउंट होगा. तो हम लोग लिखेंगे कैसे, विनोद इन अकाउंट करंट विथ करंट अकाउंट विथ अकाउंट करंट नहीं होता है यहाँ पे, करंट अकाउंट विथ अलाहाबाद बैंक ये ध्यान में रखो. एंड डिपॉजिटेड अ सम ऑफ ₹30,000. तो शुरुआत में 2 जनवरी को ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जहां पे उसने ₹30,000 डिपॉजिट किया. अभी बैंक के एंगल से जब भी पैसा डिपॉजिट होता है तो बैंक की ये लाइबिलिटी बन जाती है. तो बैंक इसको क्रेडिट करेगा ये ध्यान में रखो. डिपॉजिट मतलब क्रेडिट. और जब भी कस्टमर विड्रॉ करेगा तो बैंक के लिए अच्छी बात है, बैंक के लिए वो रिसीवेबल हो जाएगा. तो विड्रॉल मतलब बैंक के एंगल से रिसीवेबल होगा एंड डिपॉजिट मतलब बैंक के एंगल से पेबल होगा. तो आप यहां पे लिख सकते हो बैंक एंगल पेबल और यहां पे डेबिट मतलब बैंक के एंगल से रिसीवेबल. ही डिपॉजिटेड ऑन 15 जैन, 12th मार्च एंड 10th में. तो यहां पे आप लोग देख सकते हो 15th जैन मतलब सेकंड वन, 15th फेब ये नंबर 3 पे आएगा, 12 मार्च को वापस डिपॉजिट हुआ, 10th अप्रैल को 5th ट्रांजैक्शन, 10th जून मई को 6 नंबर का ट्रांजैक्शन एंड 17 जून को 7 नंबर का ट्रांजैक्शन. शो विनोद अकाउंट इन लेजर ऑफ अलाहाबाद बैंक. इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन 5% ऑन द डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस मतलब विड्रॉवल
और डिपॉजिट्स के ऊपर बैंक आपको सिर्फ 2% अमाउंट देती है, ये याद रखना। द अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द 30th जून, कैलकुलेशन टू बी मेड इन द करेक्ट टू बी नियरेस्ट रुपीज। ओके, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, कुछ नंबरिंग्स मैं आपको करके दूंगा, हालांकि आपने ऑलरेडी ये लेक्चर देखा हुआ रहेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी ये लेक्चर में। यस, जो बच्चे पहली बार देख रहे बेटा, आप ये समझने की कोशिश करो और वापस से ये वीडियो देख लेना ताकि और इजीली समझ में आ जाए। तो आपको करना कैसे है, ओके, आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। यस, आपको सबसे पहले सिमरन कॉलम्स बनाने पड़ेंगे बेटा, तो जल्दी से यू हैव टू प्रिपेयर दिस कॉलम्स, कॉलम्स को बना लो बेटा। हाँ जी, कॉलम्स है विनोद करंट अकाउंट विद अलाहाबाद बैंक, यस, डेट पर्टिकुलर्स, कॉलम्स देखो अच्छे से बनाओ, विनोद करंट अकाउंट विद अलाहाबाद बैंक, डेट पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट नंबर वन पे बैलेंस है, उसके बाद डेज, उसके बाद डेबिट प्रोडक्ट और क्रेडिट प्रोडक्ट। जल्दी से इसके कॉलम्स बनाओ, ये थोड़े अलग कॉलम्स है, सामने देख के कॉलम्स बनाओ, अच्छे से बनाओ। ओके सिमरन, चलिए कॉलम्स देख लीजिए पहले। बेटा आपको मेरा स्पीड मैच होता है क्या, मतलब थोड़ा स्लो जाऊँ या स्पीड कल मैच हो गया था? यस रिद्धि, रिद्धि आदित्य, स्पीड मैच हो जाता है बेटा, मतलब मैं मेरे स्पीड से जाऊँ ना, मतलब कैलकुलेशंस वगैरह तुम करोगे ना वही स्पीड से, बहुत फास्ट नहीं है, थोड़ा स्लो जाऊंगा क्योंकि मैं एग्जाम में मेरा स्पीड और बढ़ जाता था, वो आपको प्रैक्टिस से बढ़ेगा, मतलब मैं नॉर्मल वे से जाऊंगा। ओके चलो, सो फर्स्ट वन ऑन डेट 2nd जैन, तो 2nd जैन पे बेटा आपको याद रखना है, ओके 2nd जैन पे आपको क्या याद रखना है बेटा, सबसे पहले बाय कैश, बाय कैश क्यों, क्योंकि आपने डिपॉजिट किया, डिपॉजिट क्रेडिट के ऊपर लिख के रखना, डिपॉजिट एंड डेबिट के ऊपर लिख के रखना विड्रॉवल। आकांक्षा आर यू विथ मी, तो बाय कैश क्रेडिट कितना डिपॉजिट किया आकांक्षा, कैन यू टेल मी? 30,000, वेरी गुड। आफ्टर वन लाइन राइट डाउन बेटा 15 जैन, 15 जैन इज ऑल्सो बाय कैश बेटा,
डिपॉजिटेड ना, कैन आई राइट फर्स्ट अमाउंट्स बेटा, ऑल अमाउंट्स, देन 12,000, यस, नेक्स्ट डेट इज बेटा, थर्ड वन इज 15th February, विड्रॉवल, सो ऑन द डेबिट साइड टू सेल्फ, वेरी गुड बेटा, टू सेल्फ, व्हाट यू हैव टू राइट, टू सेल्फ नॉट टू कैश, वेन एवर यू आर विड्रॉइंग देन टू सेल्फ, यस 15th February हुआ, 15 January हुआ, देन 12th March, 12th March बेटा डिपॉजिट हाउ मच, 8,000 बाय कैश, वेरी गुड, फर्स्ट यू राइट इन इन द अमाउंट कॉलम एंड देन यू कैन फिल अप पर्टिकुलर्स. 12th March के बाद आपका नेक्स्ट का डेट है 10th April, 10th April, 30,000 टू सेल्फ, वेरी गुड बेटा, नाउ यू कैन डू इट वेरी वेल. ओके नेक्स्ट वन 10th May, विद डिपॉजिट कॉलम 16,000 बाय कैश, वेरी गुड, एंड देन लास्ट वन इज अ 15th June, 15th June टू सेल्फ हाउ मच, 14,000. नाउ बेटा स्टार्टिंग में यू हैव हाउ मच बैलेंस, 30,000 क्रेडिट था, 30,000, 30,000 में यू विल एड 12,000 और यू विल डिडक्ट 12,000, क्रेडिट क्रेडिट एड होगा ना, हाँ 12,000, सो 42,000. नाउ फ्रॉम 42,000 यू विल डिडक्ट 26,000, सो यू लेफ्ट विथ, यू लेफ्ट विथ 16,000, बट स्टिल क्रेडिट, स्टिल क्रेडिट, करेक्ट है, बिकॉज 16,000 का क्रेडिट ही होगा, अभी भी आपका पैसा बैंक के पास है, तो बैंक की लाइबिलिटी बनती है. 16 में किसका आवाज है बेटा, ये 16 में कितना ऐड हुआ, ऐड हुआ 8,000, सो दिस इज 24,000, करेक्ट है, 24,000, देन यू विड्रॉ 30,000, सो इट इज डेबिटेड 6,000, करेक्ट है, सो यस और नो आकांक्षा जी, यस, देन 6,000, देन यू डिपॉजिटेड 16,000, सो अगेन क्रेडिट हाउ मच, 10,000, डेबिट 6,000, 16,000 क्रेडिट मीन्स 10,000 क्रेडिट, एंड अगेन विड्रॉवल 14,000, सो डेबिट 4,000, फाइनली, करेक्ट है बेटा. मतलब क्या करना है, सिंपल बैंक के एंगल से देखना है, पैसा विड्रॉ किया फिर भी हमारा बैलेंस बैंक के पास है तो क्रेडिट ही होगा, बट विड्रॉल के बाद बैलेंस माइनस में जाता है तो डेबिट हो जाएगा, इट्स वेरी सिंपल, एवरीवन अंडरस्टूड, यस. देन यू हैव टू राइट बाय रेड पेन 30th June, बट यू आर नॉट श्योर, यू विल राइट ओनली इंटरेस्ट, यू विल राइट ओनली इंटरेस्ट, बट बिफोर राइटिंग इंटरेस्ट बेटा, यस ये बाद में लिखेंगे, दिस इज एक्चुअली नंबर 3, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट डेज, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट डेज, डेज मतलब सेकंड और 15 के बीच में कितने डेज है, सो हाउ मेनी डेज बेटा, 13, देन 15 to 15, 16 डेज ऑफ जनवरी और 15 डेज ऑफ फेब्रुआरी, सो यू हैव 31 डेज, करेक्ट है, फिर 15 February, वेदर दिस इज लीप ईयर, वेदर दिस इज लीप ईयर, यस दिस इज लीप ईयर, बट assume 1 year is equal to 365 days in question itself given, so we will assume this is normal year, okay, though it is a leap year, okay, kyunki question mein specifically unhone diya hai 1 year is equal to 365 days, if this sentence is not there, 1 year is equal to 365 days, then we will assume this is a leap year, assume nahi matlab then it is leap year only, theek hai, so 15 plus 13 28 hoga hai aur ye 12 kitna days hota hai beta 25, correct hai 25 डेज, देन 12 मार्च से आगे 12 से कितना हुआ बेटा, हाँ ये कितना हुआ 19 दिन ना मार्च के, एंड यू लेफ्ट विथ 10 डेज, 29 इज अ करेक्ट आंसर, यस, देन 10 अप्रैल से 10 मई, अप्रैल के 20 क्योंकि 30 का देता है अप्रैल, एंड 10 इज ऑफ मई, सो यू हैव 30 डेज, ये एग्जाम का स्पीड है,
एंड 10 डेज प्लस 10 मई प्लस, यहाँ पे आपके मई के आएंगे 31, मतलब 21 दिन, एंड जून के 15, 31 और 15 कितना हुआ 36, एंड 36 के बाद 15 जून से 30 जून, ये कितने डेज हुए 15 दिन। यस, तो यहाँ पे अभी हम लोग प्रोडक्ट करने वाले, और ये आप लोग का लास्ट 15 डेज, और टू इंटरेस्ट और बाय इंटरेस्ट वी आर नॉट अवेयर, तो ये लास्ट का 15 दिन का आपका कैलकुलेशन है। देन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, सो इंटरेस्ट इज बाय और टू, वी विल अंडरस्टैंड इट लेटर बिकॉज इंटरेस्ट कैलकुलेशन वी आर नॉट येट डन, सो नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना है, क्रेडिट क्रेडिट में ही लिखेंगे, सो 30,000 पहले क्रेडिट वाला कंप्लीट करेंगे, 30,000 इंटू 13 मेमरी प्लस 3,90,000, पहले क्रेडिट का कंप्लीट करता हूँ, 42,000 इंटू 31 मेमरी प्लस 13,02,000, 16,000 इंटू 25 मेमरी प्लस दिस इज 4 लैक्स, देन यू हैव 24,000 इंटू 29 मेमरी प्लस 6,96,000, देन यू हैव 6,000 इंटू 30, नहीं 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 डोंट कंसिडर, देन यू हैव 10,000 इंटू 36, 10,000 इंटू 36 मेमरी प्लस 3,60,000, टेक अ टोटल बेटा, मेमरी रिकॉल, व्हाट इज द टोटल, आई एम गेटिंग 31,48,000, यू आर गेटिंग द सेम अमाउंट, दिस इज 5 नंबर, 0 कर दो मेमरी को, देन डेबिट वाले 6,000 इंटू 30 1,80,000, एंड 15 इंटू 4,000 60,000, मेमरी रिकॉल आई एम गेटिंग 2,40,000, अमोक यू आर गेटिंग सेम अमाउंट बेटा, यस अमोक सेम अमाउंट, इफ ऑल ऑफ यू हैव कंप्लीटेड, महिमा कंप्लीट हुआ बेटा, सबका स्पीड मैच हो रहा है मेरे साथ या कॉपी कर रहे हो, रिद्धि आर यू कॉपिंग इट और आर यू डूइंग इट बाय ओन, हाँ ओके स्पीड मैच हो रहा है तेरा, वेरी गुड वेरी गुड, ओके अभी टेल मी 2,40,000 पे प्रोडक्ट मेथड है ये भी, सो कितना परसेंट डेबिट पे परसेंटेज था, आई थिंक 5% ना, 1/365, एंड सेकंड वन इज 31,48,000 इंटू 5%, नहीं इधर 2%, 2% है ना ऑन क्रेडिट बैलेंस, 2% है ना, 1/365, टेक अ टोटल, दिस इज 32.88 डेबिट, एंड क्रेडिट इज 172.49, ये आपका 6 नंबर था, इफ यू टेक द टोटल डिफरेंस, हाउ मच इज द डिफरेंस, 139.61, दिस इज 140, 140 इज अ क्रेडिट साइड का टोटल है, यू विल राइट ओवर हियर 7 नंबर, एंड नाउ यू कैन डिसाइड इट्स अ ऑन द क्रेडिट साइड मीन्स बाय, अभी यू विल टेक अ टोटल, ये आपका 8 नंबर हो गया बाय, 9 नंबर पे यू विल टेक अ टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर 70,000, एंड 10 नंबर इज ऑल्सो 70,000, योर डेबिट साइड इज मोर एंड योर बैलेंसिंग फिगर विल बी, चेक द बैलेंसिंग फिगर, यू आर गेटिंग आई थिंक 3,860, दिस इज योर 11 नंबर बाय बैलेंस कैरिड डाउन 30 जून को, सो दिस इज द लास्ट वन एंड यू कैन सी हियर 3,160 इज द करेक्ट आंसर, सॉरी 3,860, यू कैन चेक योर टोटल्स, यू आर गेटिंग बैलेंसिंग फिगर 3,860, सो हियर यू हैव फिनिश दिस क्वेश्चन, 12 से 15 मिनट इज द आइडियल टाइमिंग, 12 मिनट,
for such type of questions. Today's homework solve करना है, time लगा के बेटा आपको अभी, यह आएगा 8 मार्क के लिए, 6 मार्क के लिए, easy है ना? नहीं लगा आपको easy बेटा? This difficult or easy? It's very simple यार, कुछ है ही नहीं इसमें. This is only a calculation that you have to do. Very simple questions, that is a full marks का question है. प्रैक्टिस दो बार किया ना तो आपका आपका होल्ड आ जाएगा टॉपिक के ऊपर. दो बार प्रैक्टिस लगेगी बस, बाकी ये टॉपिक में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. बाय लिखना, टू लिखना, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई. यस, एकदम इजी है. ये क्वेश्चन को बिल्कुल भी ऑप्शन में मत छोड़ियो, बहुत इंपॉर्टेंट है. आज का होमवर्क है आपका, ये 8 नंबर का क्वेश्चन आपको करना है. कल मैं दो मेथड सिखाने वाला हूँ, कल एवरेज ड्यू डेट भी शुरू कर दूंगा, ईपोक और हाँ अभी आपको क्लास में ही, जैसे क्लास खत्म होगा तुरंत सब लोग मुझे अभी यस बिना देखे, अभी बहुत सिंपल से मेथड्स है. नाउ यू कैन डू इलू 4, मैं करूँ क्या आप करने वाले हो. और सपोज डेज में होगा, एक मेथड याद रखो, डेज में सिर्फ आपको क्या करना है, डिवाइड बाय हर टाइम पे कैलकुलेट करना है, सिर्फ वो बता के रखता हूँ मैं आपको. एक और मेथड है एग्जाम में प्रोडक्ट मेथड यूज करना, एग्जाम में प्रोडक्ट मेथड यूज करना. एक होती है इंटरेस्ट मेथड, तो इंटरेस्ट मेथड मतलब इंडिविजुअल इसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा. चलो एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ इंटरेस्ट मेथड का. ओके सो बाकी प्रोडक्ट मेथड आप लोग कर लेना. यस सो मैं इंटरेस्ट मेथड का एक पहला ही क्वेश्चन है, प्रोडक्ट मेथड और इंटरेस्ट मेथड का. सो फर्स्ट क्वेश्चन विल डू फॉर इंटरेस्ट मेथड, इलस्ट्रेशन नंबर 1. यस सबसे पहले क्या करना है, एग्जाम में यू हैव टू सी किसके बुक से, एंड गलती मत करियो कि किसका बुक से और किसका अकाउंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना. कभी कभी डिफिकल्ट मतलब क्या करते हैं, शाम ने गुड़ सोल्ड किए ऐसा जानबूझ के दे जाएंगे, पर हमें परचेज है क्या सेल है हमारे एंगल से देखना है, जिसके बुक्स यू आर प्रिपेयरिंग. तो यू ऑलवेज हैव टू प्रिपेयर हुज बुक्स एंड हुज अकाउंट. ओके सो प्रिपेयर अकाउंट करण फॉर नाथ ब्रदर्स, नाथ ब्रदर्स के बुक्स है एंड शाम का अकाउंट है. सेप्टेम्बर 16 गुड सोल्ड टू शाम, एंट्री क्या करोगे, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेबिट. कैश रिसीव्ड फ्रॉम शाम, क्रेडिट. गुड्स परचेस फ्रॉम शाम, परचेसेस टू शाम, क्रेडिट. पेड टू शाम, शाम टू कैश, डेबिट. पेड टू शाम, शाम टू कैश, डेबिट. गुड्स परचेस फ्रॉम शाम, परचेस टू शाम, परचेस टू शाम, क्रेडिट, क्रेडिट. पेड टू शाम, डेबिट. गुड्स सोल्ड टू शाम, शाम टू सेल्स, डेबिट. द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर ऑन 1st February. 1st February इज अ ड्यू डेट. Calculate the 6% per annum. We are going to solve this question by using एक अनोखी method, interest method, जो मेरी बिल्कुल भी favorite नहीं है, फिर भी we are going to solve by that method. तो चलो interest method से solve करेंगे. लिखो पहले columns बना लो. Yes, same columns, only instead of product क्या column बनाओगे, last में product के बदले में यहाँ पे interest column बनाओगे. क्या column बनाओगे बेटा, interest column. चलो करो फटाफट, start. प्रिपेयर करो. शाम इन अकाउंट करंट विथ नाथ ब्रदर्स होने के बाद तीन लोग मुझे डन बोलेंगे, एक रिद्धि बोलेगा डन, अच्छे से सॉल्व करना है, ड्रॉ करना है प्रॉपरली, महिमा बोलेगी डन एंड वेंकट लक्ष्मी बोलेगी डन. ध्रुव कल किधर थे बेटा, ये सब सेकेंडरी रीजन है बेटा, सेकेंडरी. जब क्लास है तो क्लास है, बाकी सब सेकेंडरी है हमारे लिए. गेस्ट वगैरह किसी को भी आने दो, कोई भी आने दो दुनिया में, मोदी जी भी आए तो भी आपको जाना नहीं है.
done? Through. Done. Chalo, let's start. So we are going to start with question number 1. September 16. Chalo, aa jaiye September 16 mein. Due date hai uska 1st October. 16 September. Two sales. टू सेल्स ड्यू डेट बोलो 1st अक्टूबर अमाउंट इज 200 ना नेक्स्ट सो कैलकुलेशन यही पे करके रखता हूं 16 सितंबर मतलब सितंबर के नहीं अक्टूबर से लेना है सॉरी इट्स माय मिस्टेक अक्टूबर के 30 बिकॉज 31 का होता है अक्टूबर नवंबर 30 दिसंबर 31 जनवरी 31 एंड फेब्रुवरी का 1 30 plus 30 plus 31 plus 31 plus 1 डू नॉट कैलकुलेट जस्ट लिख के छोड़ दो देन कैश रिसीव्ड फ्रॉम शाम सो क्या डेट है 1st अक्टूबर बाय कैश एंड द सेम डेट पे ड्यू डेट भी होगा 1st अक्टूबर और 1st अक्टूबर का इधर ही कॉपी पेस्ट करेंगे 30 इधर से 30 31 31 plus 1 इधर से कॉपी पेस्ट कर लेंगे नेक्स्ट वन नेक्स्ट इज डेबिट हो गया क्रेडिट में गुड्स परचेस बाय परचेसेस अक्टूबर 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर बाय परचेसेस एंड व्हाट इज द ड्यू डेट 1st दिसंबर तो दिसंबर के 30 बचे जनवरी 31 डोंट कंसीडर फर्स्ट वन एंड फेब्रुवरी का एक कंसीडर करना पड़ेगा बिकॉज एक फेब्रुवरी है सो फेब्रुवरी का एक हो गया ये नवंबर 1 पेड टू शाम सो शाम टू कैश नवंबर 1 टू कैश नवंबर के 29 डेज बचे दिसंबर 31 जनवरी 31 फेब्रुवरी ओ माय गॉड फर्स्ट और ये अमाउंट वापस भूल गया मैं 330 नेक्स्ट पेमेंट इज ऑन दिसंबर 1 सो 1st दिसंबर टू कैश 1st दिसंबर 330 1st दिसंबर बोले तो दिसंबर के 30 जनवरी 31 एंड फेब्रुवरी का 1 ओके नेक्स्ट वन गुड्स परचेस क्रेडिट में दिसंबर 5th दिसंबर बाय परचेसेस थोड़ा सा गर्दन यार दिन भर ऐसा पड़ करके ना मुश्किल हो गया है 5th दिसंबर 1st जैन के 30 बचे और फेब्रुवरी का 1 व्हाट इज द अमाउंट 500 ऊपर के भी अमाउंट रहेगा ही क्या रे ऊपर के अमाउंट रहेगा ही मेरी कोई बोलता भी नहीं है सर अमाउंट रहेगा ही 90 और 500 बराबर है क्या 5 दिसंबर अरे अमाउंट मत छोड़ने लगाओ यार यस बाय परचेसेस नेक्स्ट डेट क्या है 10 दिसंबर बाय परचेसेस एंड अमाउंट इज 200 और ये भी है आपकी 1st जैन है तो 30 plus 1 ऊपर से कॉपी कर लिया पेड टू शाम सो 1st जनवरी पेड टू शाम टू कैश 1st जैन ही और 600 और डेज कैलकुलेट करेंगे तो 30 plus 1 एंड लास्ट वन इज जैन 9 टू सेल्स और इसका ड्यू डेट है 1st फेब्रुवरी जो आएगा अमाउंट इज 20
और यह आएगा जीरो। अभी हमें डेज कैलसी पे लेने हैं, सो कैलसी पे डेज ले लो, 30 + 30 + 31 + 31 + 1 123 डेज। यहां पे कितना आएगा, 29 + 31 + 31 + 1 92 डेज। स्पीड मैच होना ही चाहिए आपका, यू हैव टू मैच योर स्पीड, नहीं तो एग्जाम में इट विल बी डिफिकल्ट। यू कैन वॉच दिस सेशन वंस अगेन, 92 के बाद 62 आया मेरा एंड हियर इट इज 31। इधर भी मैं 1 अक्टूबर है तो 123, सेम कॉपी पेस्ट करूंगा, 62 और दिस इज 31। एंड नाउ आई विल कैलकुलेट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट है 6% पर एनम, बट यू डू नॉट हैव टू यूज प्रोडक्ट मेथड है नहीं है, सो इंटरेस्ट मेथड में इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। 200 × 6% × 123 / 365 टेक अप टू 2 digits, 4.043 है, सो इधर 4.04 आएगा अप टू 2 digits। 2 digits आर ऑलवेज बेटर। 330 × 6% × 92 / 365 आई एम गेटिंग 4.99। 330 × 6% × 62 / 365 आई एम गेटिंग 3.36। 600 × 6% × 31 / 365 आई एम गेटिंग 3.057 है, तो 06 हो जाएगा। तीसरे नंबर पे दूसरे का नंबर का भविष्य डिपेंड करता है। हियर 19 × 6% × 123 / 365 आई एम गेटिंग द आंसर 1.819, सो दिस इज 1.82। 500 × 6% × 62 / 365 5.095, सो दिस इज 5.10। देन 500 × 6% × 31 / 365 आई एम गेटिंग 2.547, सो दिस इज 2.55। और 200 × 31 / 365 × 6% 1.019, दैट इज 1.02। नाउ आई विल टेक अ टोटल ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट। इंटरेस्ट के टोटल ले लीजिए, यू आर गेटिंग द इंटरेस्ट का टोटल 4.04 + 4.99 + 3.36 + 3.06 आई एम गेटिंग द टोटल ऑफ इंटरेस्ट इज 15.45। हियर आई विल राइट इट एंड हियर 1.82 + 5.10 + 2.55 + 1.02 दैट इंटरेस्ट का टोटल इज इतना बेटा, इंटरेस्ट का टोटल 10.49, इज इट करेक्ट, 10.49। सो डेबिट इज मोर, सो नंबर वन पे आई विल टेक अ टोटल ऑफ इंटरेस्ट, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन 1st Feb बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज नंबर ए। व्हाट इज द डिफरेंस, 15.45, 4.96 आया मेरा, सो दिस इज 15.45। देन बेटा ऑन द सेम साइड, ऑन द अपोजिट साइड आई विल राइट 1st Feb टू इंटरेस्ट in the amount column. Where to write this? In the amount column. Remember, you have to write this thing in amount column, whatever total you are getting. And now you can take amount ka total, 200 + 330 + 330 + 600 + 20, so here it is +4.96, so you are getting the total 1484.96 on the debit side. On the credit side, it is 90 + 500 + 500 + 200. I am getting 1290. So my debit side is more than the credit side. So I will write buy balance carried down on the C side, number C, alphabetically. Okay. So 1st Feb buy balance carried down C step. 1st Feb ko 1484.96, and I am getting the answer. Kya hua yaar? 1484.96 - 1290. I am getting the answer 194.96. Is it correct? And you will get the total 1484.96. Genuinely batao, please raise your hands. Ki jinka speed nahi match hua. Genuinely batao. Genuinely. I don't want ki. Yes, you have to be very genuine with me. Okay. Please tell me how many of you. Yes, raise your hands. Aman, he can't match with my speed. Second one is Dhruv. Dhruv hasn't practiced. Remaining all solved with me. Beta, Prerna match hua beta aapka?
नहीं वही तो, मतलब मैच नहीं हुआ ना कैलकुलेशन, सो मैच होना चाहिए। ठीक है, वापस से सॉल्व करना, सो यू विल गेट द आंसर्स। ठीक है, हाउ मच टाइम यू हैव टेकन बेटा? ऑलमोस्ट आई विल टेल यू एग्जैक्टली कितना टाइम आपने लिया है। मेरे हिसाब से यू हैव टेकन 10 to 12 minutes हार्डली। ओके, एंड इन इंटरेस्ट मेथड यू विल कैलकुलेट फॉर वन वन डे, एंड इन प्रोडक्ट मेथड यू विल जस्ट टेक अ टोटल ऑफ प्रोडक्ट 200 × 123। इंडिविजुअली यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व, वाई दिस आंसर्स आर सेम। सी आपने क्या किया, 200 × 123 × 6% डिवाइड बाई 365। अभी 6% एंड 365 विल बी कॉमन फॉर ऑल। तो हम लोग क्या करते हैं, वी टेक अ प्रोडक्ट ओनली। प्रोडक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, वी टेक अ प्रोडक्ट एंड 6% इंटू यस वन डे डिवाइड बाई 365, ये हम लोग कॉमन निकालते। तो प्रोडक्ट मेथड इज इजी बिकॉज यू आर टेकिंग, इंटरेस्ट मेथड में यू आर टेकिंग एवरी टाइम 6% अपॉन 365 फॉर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, एंड इन प्रोडक्ट मेथड यू टेक ओनली फॉर वन डे। वन डे क्यों, क्योंकि ये कॉमन हम लोग साइड में निकाल रहे। साइड में क्या निकाला, 6% डिवाइड बाई 365, एंड वी आर ओनली टेकिंग टोटल्स ऑफ प्रोडक्ट। विच मेथड इज बेटर बेटा अमन? प्रोडक्ट मेथड इज ऑलवेज इजी। ओके, सो इन एग्जाम इफ नथिंग इज गिवन विच मेथड यू आर गोइंग टू फॉलो, प्रोडक्ट मेथड। एंड बैंक वाला जो प्रॉब्लम होता है वो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड होता है। बैंक वाला जो मेथड है वो प्रॉब्लम आपको ध्यान में आ जाएगा। ओके, बैंक वाला जो प्रॉब्लम होता है। ओके, सो ये तीसरी मेथड है। सो ये इंटरेस्ट मेथड थी। अभी दो मेथड्स मेरे साइड से बची हुई है, एक इपोक मेथड है ना, एक फॉरवर्ड फॉरवर्ड मेथड जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ इपोक मेथड बताना रह गया, एंड इन टुमारो सेशन आई एम गोइंग टू टेल यू इपोक मेथड ऑल्सो। ओके, बिकॉज आई वॉन्ट कि एवरी वन विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ यू कैन सॉल्व टीवाई के क्वेश्चन ऑल्सो बाई डूइंग प्रैक्टिस। सो आज मुझे आपके पूरे क्वेश्चन चाहिए। टीवाई के क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करोगे आज। आज अकाउंट करंट ये चैप्टर का नामो निशान क्लोज कर दोगे, कि मुझे बिल्कुल भी सबने टाइम लगा के ऑल क्वेश्चन विच आर रिमेनिंग वन यू विल सेंड मी, कि आप लोग ग्रुप पे ये भेज दोगे। एंड एवरी वन ऑफ यू नाउ अंडरस्टूड वॉट इज मेथड नंबर 3, दैट इज अ मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड। मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड, सो थ्री मेथड्स आर देयर। वन इज प्रोडक्ट मेथड विच वी सॉल्व यस्टरडे। रेड इंक में निगेटिव कर देते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं ऑन क्वेश्चन यू टू राइट टू और बाय। इट्स वेरी सिंपल देन, टू और बाय आपने क्वेश्चन पे लिखा तो। एंड प्लीज डू नॉट मेक अ मिस्टेक। ओके, सी किसके बुक्स है। कभी कभी क्या दिया जाएगा, देखो कभी कभी आपको ध्यान में रखना है, मिस्टर एक्स के बुक्स है और उन्होंने लिखा रहेगा वाई परचेसेस, वाई ने परचेस किया। पर वाई ने परचेसेस किया तो वेदर यू टू सी वाई का परचेसेस या एक्स का सेल्स, एक्स का सेल्स। सो आवर फॉर अस दिस एंट्री सेल्स का एंट्री। बच्चा इधर गलती करता है, ही पासेस एंट्री ऑफ परचेस। अरे भाई वाई ने परचेस किया मतलब एक्स ने बेचा, हम लोग एक्स के बुक्स में हैं। तो वो बहुत केयरफुल रहना, ये बहुत केयरफुल रहना कि किसके बुक्स है और उसने क्या किया, एक्स ने क्या किया। वी हैव टू थिंक फ्रॉम द एंगल ऑफ एक्स, नॉट फ्रॉम द एंगल ऑफ वाई। वाई ने परचेस किया मतलब एक्स ने सेल किया। यहां पे गलती करता है, वहां पे गलती मत करियो, वो एक याद रखना बस। ये प्रॉब्लम एकदम ईजी होता है। तो एक्स ने क्या किया मतलब कभी भी ऐसा पूछने का, मतलब वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम अमाउंट पेएबल बाय एक्स टू वाई, तो किसके बुक्स है, यस बुक्स किसके हैं, एक्स के बुक्स है। तो एक्स बाय एक्स टू वाई मतलब एक्स को लाइबिलिटी है, एक्स को पे करना है, सो एक्स की लाइबिलिटी होगी। रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई, तो एक्स ने क्या किया, एक्सेप्टेंस दिया मतलब बिल्स पेबल हुआ, बिल्स पेबल हुआ, ये आपको याद रखना है। बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय वाई, ओके। सो वाई ने एक्सेप्ट किया मतलब हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल हुआ। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, ये इजी ट्रांजेक्शन था। वाई सोल्ड गुड्स टू, ये आईएमपी है। वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स मतलब एक्स ने परचेस किया। वी हैव टू पास एंट्री ऑफ परचेसेस। तो ये बहुत केयरफुल रहना, बिल्कुल सिली मिस्टेक मत करना बेटा, मेरा नाम रोशन करना, बिल्कुल भी सिली मिस्टेक्स मत करना। जो जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए फॉलो इट प्रॉपरली, बस फिर कुछ टेंशन नहीं है। ये सेशन यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, सो आपको वापस से यू हैव टू सी दिस सेशन। वेन एवर यू आर डूइंग रिविजन्स प्लीज वॉच इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो ये हमारा स्पीड आपका मैच भी कर जाएगा इन द लास्ट मंथ ऑल्सो। ओके, जब हम लोग स्कैनर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके पहले आपका एक बार वापस सॉल्व होना चाहिए, कम से कम 5-5 बार सॉल्व होना चाहिए बेटा। पेपर में 80+ तभी जाएगा जब मिनिमम 4-5 बार आप लोग सॉल्व करने वाले हो।
और कोई टेंशन मत लो, डेज कैलकुलेशंस फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर डूइंग दिस प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स ध्रुव, यू हैव टू बी वेरी सीरियस फॉर योर स्टडी. ओके, तो ये रीजंस मत देना, ये वापस सॉल्व करना. कल का सेशन जो है वो वापस देख के, ये सेशंस अभी दो दिन लगेंगे अपलोड होने को क्योंकि हम लोग पूरा कंबाइंड लेक्चर अपलोड करते हैं. सो टुमारो आई एम गोइंग टू अपलोड दैट, बट बिफोर दैट यू कैन वॉच माई प्रीवियस सेशंस आप मेरे इसमें से, एंड नवंबर 23 के लिए आई विल गिव यू सेपरेट सेशंस. ओके, तो वो आपका परसों अपलोड हो जाएगा. सो कल epoch method we are going to upload it, and epoch method hoga jo backward calculations hota hai. So tomorrow I am going to explain you that. Okay, so today's homework is very simple, you have to do all these questions by using tick-tick-g technique, and aapko aapke timing jo hai jo bhi recorded mein dekh raha hai bachcha jo mera student nahi hai jo zoom walon se main practice karwa ke leta hu wo yadi aap nahi bhi ho to bhi aap log kya karna, you have to do this practice again and again. Aapko ye kya karna hai, aapka timing aap log likh ke rakho. You can write your timings on question itself, say 6 minutes 30 seconds, second one pe 5 minutes 45 seconds. Whenever you are doing revision, you please just do ////, aur aage badhte raho. Aur mujhe pata hai aap log mujhe acha result dene wale ho, so don't worry. Jitna bhi bachcha recording mein dekh raha hai ya zoom pe free lectures nahi hai aur jo youtube pe free lectures dekh rahe ho, beta aapko ek hi request hai, aap sabhi bachche iska practice karo, properly practice karo. This is all from my side, thank you. बट आज के सेशन में हम लोग जो पढ़ने वाले वो epoch मेथड पढ़ने वाले. epoch मेथड हालांकि बहुत ही सिंपल मेथड है, सिर्फ ये एग्जाम में बहुत रेयर पूछा जाता है, और जो बच्चा थोड़े बहुत ज्यादा पाप कर लेता है उसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है. पर हम लोगों को epoch मेथड भी याद रखना है कि epoch मेथड एग्जाम में आया तो एटलीस्ट यू शुड बी प्रिपेयर फॉर ऑल वर्स्ट थिंग्स इन द एग्जाम. तो इसलिए मैं ये लास्ट में ये epoch मेथड ले रहा हूँ. तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान में रखना. जितने भी बच्चे हैं epoch मेथड को बिल्कुल भी ऑप्शन में मत छोड़ो, क्योंकि क्या होगा आप पूरा अकाउंट करंट करके जाओगे और एग्जाम में आ जाएगा epoch मेथड, तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसा बॉलर आपको आ गया कि भाई उसको कभी हमने देखा ही नहीं है. तो ऐसे टाइप का बॉलर जब आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउट ऑफ सिलेबस है. तो इसी तरीके का क्वेश्चन है जो आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, बहुत सारा अकाउंट करंट का प्रॉब्लम सॉल्व किया, रेडिंग किया, ये किया, अकाउंट करंट में बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड भी किया, विनोद का प्रॉब्लम अलाहाबाद बैंक के साथ वाला, तो करंट अकाउंट जैसे मेंटेन किया जाता है, तो वो सब किया और हमने लास्ट में किया ही नहीं epoch मेथड. और epoch मेथड मतलब क्या, तो जो हम लोग करते हैं वो नॉर्मली फॉरवर्ड मेथड होती है, फॉरवर्ड मेथड होती है जो हम लोग करते हैं. जो बैकवर्ड मेथड होती है, बैकवर्ड मतलब आपको उल्टा कैलकुलेशन करना है. अभी आप लोग नॉर्मली क्या करते हो, ड्यू डेट से लेके बैलेंस शीट डेट तक, या स्टेटमेंट डेट तक, नॉट बैलेंस शीट डेट, ड्यू डेट से लेके स्टेटमेंट डेट तक आप लोग कैलकुलेशन करते हो. इधर वैसा नहीं होगा, यहां पे उल्टा कैलकुलेशन होगा, यहां पे ओपनिंग डेट तक आप लोग कैलकुलेट करोगे. सो इसको बोलते हैं बैकवर्ड मेथड. बहुत लॉजिकल है बैकवर्ड मेथड. तो यहां पे नंबर ऑफ डेज जो होते हैं ना, ये ओपनिंग डेट ऑफ द स्टेटमेंट टू द ड्यू डेट कैलकुलेट किया जाता है. और बैकवर्ड और फॉरवर्ड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो फॉरवर्ड मेथड में ड्यू डेट से लेके हम लोग क्लोजिंग डेट तक करते हो. सर ड्यू डेट से लेके क्लोजिंग डेट तक जब कैलकुलेट करते रहोगे तो फॉरवर्ड मेथड होता है, एंड बैकवर्ड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग से लेके सॉरी ड्यू डेट से लेके ओपनिंग डेट तक. तो इसका कैलकुलेशन भी थोड़ा सा टेढ़ा होता है पर बहुत ईजी होता है एक बार समझ में आ गया. तो चलिए ये समझने की कोशिश करेंगे. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेकअप द अकाउंट करंट विच इज रेंडर्ड बाय द मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई. तो बेटा बुक्स किसके हैं, बुक्स होंगे मिस्टर एक्स के, और वाई इन अकाउंट करंट विथ एक्स, ये आपका ट्रांजैक्शन होगा. पहले मैं पूरा मेथड समझाऊंगा, फिर हम लोग कैलकुलेशंस जो है वो वापस से एक बार कर लेंगे हम लोग फेयर में. ओके, तो पहले पूरा मेथड समझने की कोशिश करेंगे. चलो जल्दी से आ जाओ, आंसर में हम लोग समझ भी लेंगे साइड बाय साइड कि करना क्या है. एक बार मैं आपको मेथड पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, मेथड पूरा समझने के बाद ही आपको करना क्या है बेटा, सॉल्विंग करना है. चलिए तो एक सेकंड. हाँ जी, तो बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई, वाई से हमें बैलेंस आने वाला था, तो इतना तो आप सबको आता ही है. सर एक्स को पैसा रिसीवेबल है, रिसीवेबल है तो वाई ये हमारा डेटर है, डेटर है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां से. यस, वाई इज अवर डेटर, डेटर है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. गुड सोल्ड टू वाई, गुड सोल्ड टू वाई होगा तो ये भी बेटा टू सेल्स होगा, और उसको हमने एक महीने का क्रेडिट अलाउ किया. एक याद रखो, एक महीने का क्रेडिट, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम नहीं है, ये गुड्स का प्रॉब्लम है. गुड्स होगा तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा, तो थ्री ग्रेस डेज एड मत करियो. और एक महीना होगा तो आपको एक महीना मतलब यहां पर 30 जुलाई से एक महीना, तो 30 अगस्त आपकी ड्यू डेट होगी. सो ड्यू डेट होगी 30 अगस्त, साइड में लिख के रखा. 1 अगस्त को बेटा
गुड्स परचेस फ्रॉम वाई और क्रेडिट पीरियड रिसीव्ड फॉर, तो यहां पे हमारा बाय परचेसेस हम लोग लिखेंगे, बाय परचेसेस, परचेस अकाउंट डेबिट टू वाई, और 1 अगस्त से आगे 1 महीना मतलब 1 सितंबर ये ट्रांजैक्शन होगा, 1 महीना 1 सितंबर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम वाई, तो हम लोग एंट्री करेंगे कैश टू वाई, तो वाई को क्रेडिट किया, तो बाय कैश हमारा आने वाला है 1 सितंबर, एंड 1 सितंबर 2020 ये 3 मंथ्स का डेट हम लोग उसमें ऐड करेंगे, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना उसमें ऐड करके यस, तो ड्राफ्ट है, तो 3 मंथ्स का डेट। अभी यहाँ पे इंस्टीट्यूट देखते हैं कि ने इसमें 3 ग्रेस डेज ऐड किया था, यस डेफिनेटली ऐड करना पड़ेगा, सो 1 + 2 = 3 = 4, तो 12, 10, 11, 12, 4 दिसंबर ये उसका ट्रांजैक्शन होने वाला है। बहुत सिंपल था, यहां तक हमारा पूरा लॉजिकली हमें समझ में आया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू सेल्स बाय परचेसेस बाय कैश, एंड लास्ट में टू बिल्स पेबल, बाय बिल्स रिसीवेबल, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, By bills receivable. So why accepted? तो हमारे लिए by bills receivable 4/12 ये उसका transaction होगा। अभी हम लोग ये सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए बाकी सब सेम ही है, बाकी सब सेम है, एक बार ध्यान देके सुनना। देखो 1 जुलाई ही यहां पे रखेंगे 600 रुपया, ओके ये देख सकते हो 1 जुलाई 600, आप लोगों को इधर मैं हाईलाइट करके बताता हूँ, 1 जुलाई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 600, 1 जुलाई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 जुलाई 600, यस सर सही है, फिर टू सेल्स 30 अगस्त 300, यस, उसके बाद 1 अगस्त बाय परचेसेस 1 सितंबर 200, 1 अगस्त बाय परचेसेस सितंबर 1 200, फिर कैश रिसीव्ड 1 सितंबर बाय कैश 1 सितंबर 100, ओके ये भी सही है सर, उसके बाद 1 सितंबर 4 दिसंबर बाय बिल्स रिसीवेबल, सो 1 सितंबर बाय बिल्स रिसीवेबल दिसंबर 4 एंड 400, तो यहां पे हमारे सभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट हमें जाना कैसे, बैकवर्ड जाना है, बैकवर्ड जाना है, तो यहां पे आपका 0 आने वाला है, यहां पे पहले 1 जुलाई से 1 जुलाई 0 आने वाला है। अभी टू सेल्स हमें जाना है 1 जुलाई से लेके 30 अगस्त तक, 1 जुलाई ये आपकी ओपनिंग डेट थी 1 जुलाई, तो जुलाई का पहला दिन भी कंसिडर होगा, पहला दिन भी कंसिडर होगा 1 जुलाई, मतलब वो 31 दिन है आपके और 30 दिन अगस्त के, तो 31 + 30 यस शुरुआत से लेके जाना है। उसके बाद 1 सितंबर मतलब जुलाई के 31, अगस्त के भी 31 और सितंबर का 1, 63 डेज, एंड सेम चीज यहां पे होने वाला है। और उसके बाद 31 जुलाई अगस्त का 31, ये भी सेम ही था ऊपर का, हाँ जी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, यू कैन टेक ऑन कैलसी 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 4 कुछ रहेगा क्या बेटा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, यस 157 ये भी सही है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट फिर मल्टीप्लीकेशन, 300 × 61 18,300 डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में 200 × 63 मेमोरी प्लस 12,600, 100 × 63 मेमोरी प्लस 6,300 एंड 400 × 157 62,800, तो यहां पे आपको लगेगा 81,700, पर रुको सबर करो, यहां पे सबसे पहले हमें नंबर 1 पे क्या निकालना है, सो नंबर 1 पे हमें निकालना है रिवर्स कैलकुलेशन, यहां पे एबीसी सीक्वेंस नहीं आता है, यहां पे एबीसीडी सीक्वेंस आता है, क्या सीक्वेंस आता है बेटा, एबीसीडी, नंबर ए देखो 600 और 300 कितना हुआ 900 और 200 100 एंड 400 मतलब ये कितना हुआ 700, तो 900 माइनस 700 200 डेबिट ज्यादा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है रेड पेन एडजस्टमेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है रेड पेन एडजस्टमेंट है। 200 पहले आप क्या करोगे, स्टेप 1 नंबर ए पे अमाउंट का बैलेंस करोगे इनटू नंबर ऑफ डेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली हम लोग ऐसा नहीं करते, डायरेक्ट बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट लेते हैं, सुन लीजिए
यहां पे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं लेना है। नंबर वन पे ये आईएमपी स्टेप है, ये फॉरवर्ड मेथड में नहीं होता है, ओनली इन बैकवर्ड मेथड। ओनली इन बैकवर्ड मतलब इपोक मेथड, इसी को हम लोग बोलते हैं इपोक मेथड। इपोक मेथड में ये स्टेप करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस ऑफ द अमाउंट लेना है, 900 रुपया ध्यान में रखना, 600 प्लस 300 900 का बैलेंस लेके उसमें से 200 100 और 400 माइनस करोगे तो यू विल गेट 200 रुपीज, और वो जो 200 रुपीज है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज। अभी नंबर ऑफ डेज क्या होता है, नंबर ऑफ डेज कहां से कहां तक लेना है, ओपनिंग से लेके ओपनिंग टू क्लोजिंग। ओपनिंग टू क्लोजिंग मतलब 31 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। यू कैन टेक ऑन कैलसी, 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31, कुछ बचा है क्या बेटा, 31 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 184। और इसके बाद फिर आगे हमारी प्रोसेस चालू होगी। फिर ये हमें कहां पे लिखना है, जहां पे अमाउंट का बैलेंस है उसी के साइड में, ये रेड पेन लाइन है। उसके बाद हमारा 81700 आया ही था, 81700 में हमें ऐड क्या करना है, 200 इंटू 184, सो 36800 हम लोग ऐड करेंगे। सो ये ऐड होगा तो कितना आया मेरा टोटल, 118,500। और अभी हमारी नॉर्मल मेथड होगी 118,500 माइनस, फिर बाकी का हम लोग स्टेप वो जो है वो सेम रहेगा, 100 एंड 200 होगा। और यहां पे जहां पे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट लिया, फिर आपने बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट लेना है एंड सेम साइड पे ये भी आईएमपी है। सर फॉरवर्ड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड मेथड में हम लोग रिवर्स साइड पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं। जहां पे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आया सेम साइड पे आपको इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है। सर दुनिया बदल चुकी है, ये प्रॉब्लम पूरा उल्टा पुल्टा प्रॉब्लम है। सिर्फ एग्जाम में 100 पेजेस के बुक में ये स्टेप्स लिख के रखो, मैं स्टेप्स बहुत अच्छी तरीके से आपको लिख के दूंगा, डोंट वरी। 100 पेज के बुक में ये स्टेप्स लिख लो, आपका पूरा प्रॉब्लम एकदम एक्सेलेंट तरीके से एग्जाम में आ जाएगा, डोंट वरी। और इंटरेस्ट लिखने के बाद डी नंबर पे बैलेंस ऑफ अमाउंट लेना, फिर बैलेंस ऑफ अमाउंट सेम साइड पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है। वन डे का जो प्रोडक्ट मेथड में हमने किया था वही चीज को आपको कॉन्स्टेंटली करना है, वन डे का इंटरेस्ट आपको रिकॉर्ड करना है और उसके बाद यह पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। मैं एक बार नहीं 5 बार स्टेप बताऊंगा, डोंट वरी। स्टेप वन चलो याद करेंगे, 100 पेजेस के बुक में आपको ये स्टेप्स लिखने हैं। जहां पे आपने अकाउंट करंट लिखा होगा, कुछ मैंने लिख के दिया है तो उसमें 100 पेजेस के बुक में आपने सब कुछ नोट डाउन किया होगा। सो एक बार इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टेप वन क्या है, स्टेप वन आप जल्दी से मुझे बताओ, स्टेप वन क्या बतानी थी। यस सिमरन बेटा, क्या है स्टेप वन, सिमरन है या नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, चलो अमोघ स्टेप वन बता बेटा। बैलेंस ऑफ अमाउंट लेके, बैलेंस ऑफ अमाउंट, सपोज इफ डेबिट बैलेंस देन कौन से साइड पे लिखना है, क्रेडिट साइड में। बैलेंस ऑफ अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज ओपनिंग टू क्लोजिंग, वेरी गुड, ओपनिंग टू क्लोजिंग, सिंपल था बेटा ये। स्टेप टू, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे, इफ क्रेडिट बैलेंस देन राइट ऑन डेबिट साइड, बराबर है। उसके बाद स्टेप थ्री, रेड पेन से सेम साइड इंटरेस्ट फॉर वन डे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट इंटू 1/365, सही है बिडू। एंड स्टेप फोर, बैलेंस
balancing figure of amount. Yes, थोड़ा टेढ़ा था but I don't think कि very difficult है. महिमा जी समझ में आ भी गई हूं. इपोक 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 सब बच्चा बोल रहा था मेथड बहुत डिफिकल्ट है. इज इट डिफिकल्ट? नॉट एट ऑल. ओवर. सॉल्व करके दूं या अभी कर लोगे आप लोग? नहीं तो चलो एक बार मैं करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं. चलो कॉलम्स बनाओ फटाफट. कर लेंगे सॉल्व. चलो तब तक आप लोग लिखो, ये कॉलम्स बनाओ बेटा फटाफट. अमोक अच्छे से बनाओ, उसके बाद डन बोल देना दो तीन लोग, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा. लिंक पर एमईपीएल सांग तो यार तो है एक तासनी सेशन है. चलो यस फास्ट. पहला डेट क्या है बेटा? 1 जुलाई. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ड्यू डेट विल बी 1 जुलाई. अमाउंट क्या है बेटा? अमाउंट इज 600. नेक्स्ट 30 जुलाई. टू सेल्स. 30 अगस्त. 300. 1 अगस्त बाय परचेसेस. 1 सितंबर अमाउंट इज 200. 1 सितंबर बाय कैश.
100 1st September buy bills receivable 4 December 400 करेक्ट है बेटा से यस और नो ओके नंबर ऑफ डेज जुलाई के ये तो जीरो आएगा बेटा यहां पे जुलाई के 31 अगस्त के 30 61 जुलाई के 31 अगस्त के 31 एक 63 जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिसंबर सॉरी 4 157 सबसे पहले रेड पेन से अमाउंट का बैलेंस लेना है अमाउंट का बैलेंस 200 है रेड पेन डेट 31 दिसंबर रेड पेन से बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट अमाउंट का डिफरेंस इनटू फर्स्ट जुलाई टू 31 दिसंबर सो अमाउंट का डिफरेंस है 200 प्रोडक्ट कॉलम में लिखेंगे नंबर ए पे 200 इनटू इतने डेज आए 31 31 30 31 30 31 184 ना $36,800 ये लिख दिया पहले प्रोडक्ट की टोटल ले लो जीरो टोटल इज 1,18,500 हियर इधर 18,300 सो स्टेप बी सेम लाइन पे टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट बी 31 दिसंबर 100 एंड 200 सेम साइड पे टू इंटरेस्ट इनटू कितना परसेंट इंटरेस्ट है बेटा 18% इनटू 1/365 49.41 आया क्या बेटा एंड डी 200 तो था ही 294.141 करेक्ट है क्या से यस और नो प्रैक्टिस लगेगी बेटा राउंड ऑफ किया तो भी चलेगा 49.41 नहीं करते हुए 49 किया तो भी चलेगा 249
आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, और ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको इपोक मेथड समझ में आया. एक क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ एक बार. स्टेप वन पे हमने बैलेंस ऑफ अमाउंट लिया, जो भी डेबिट बैलेंस होगा तो उसका नंबर ऑफ डेज से उसको मल्टीप्लाई करना है, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट क्रेडिट बैलेंस एंड देन राइट डेबिट बैलेंस. सेम साइड इंटरेस्ट फॉर वन डे, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू 1/365 एंड बैलेंसिंग फिगर ऑफ अमाउंट. एंजॉय कीजिए अकाउंट करंट को, वापस सभी सम्स सॉल्व कीजिए, टीवाई के सम्स को टाइम लगा के सॉल्व कीजिए. टीवाई के सम्स आर वेरी इजी, रेडिंग इंटरेस्ट को याद रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक्स मत करियो, बहुत सिंपल चैप्टर है. मिस्टेक्स कॉन्सेंट्रेशन कम होने से होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रखो, डेज में गलतियां मत करो, कैलसी अच्छे से चलाओ एंड फुल मार्क्स लेके आओ अकाउंट करंट में. दिस इज ऑल फॉर अकाउंट करंट. थैंक यू.